नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। सरला और उसके पति दोनों नौकरी पेशा लोग थे। सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते, पति अपने ऑफिस चला जाता, सरला अपने ऑफिस चली जाती। दोनों पे काम का बोझ, दोनों फाइलों के नीचे दब जाते, पूरा काम करते। कभी कभी बॉस की प्रशंसा सुननी पड़ती, डेडलाइन पूरी करनी पड़ती, कभी कभी डांट डपट भी सुननी पड़ती, कटीली बातें भी सुननी पड़ती, कभी कभी अपने टारगेट डेडलाइंस पूरी नहीं करने पे भी बात सुननी पड़ती, और कभी बहुत शाबाशी। दोनों बीच में ऐसे जूझते हुए से घर पहुंचते। घर में आगे बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते, कभी ये फरमाइश, मम्मा आज ये बना दो वो बना दो। सरला थकी मांदी होती, प्यार से तो नहीं बना पाती लेकिन बना देती। चिड़चिड़ी होने लगी धीरे धीरे, पति भी थोड़े चिड़चिड़े होने लगे, क्योंकि काम का बोझ बढ़ता चला जा रहा था, बच्चों की फरमाइश बढ़ती चली जा रही थी। उनको पूरा करने के चक्कर में दोनों बच्चों को डांटने लगे, तुम नकारा हो, तुम किसी काम के नहीं हो, अपना होमवर्क तक नहीं करते, हमारा इंतजार क्यों करते हो, तुम अपना काम खत्म करो, खेलो कूदो। लेकिन बच्चे तो माँ बाप का कुछ डाउट होता तो माँ बाप के लिए इंतजार करते। एक दिन सरला के घर का नल खराब हो गया, उसने प्लम्बर को कॉल किया। प्लम्बर देर से आया, सरला ने गुस्सा किया और प्लम्बर ने बताया कि उसका साइकिल में पंक्चर हो गया था, जिसकी वजह से साइकिल भी गिर गया और वो भी गिर गया, घर से खाया लाया हुआ खाना भी गिर गया, पर्स भी गिर गया और उसकी ड्रिल मशीन भी टूट गई। फिर भी उसने जैसे तैसे सरला का नल का काम कंप्लीट किया। उसके पास साइकिल नहीं था। अब सरला ने सोचा कि चलो मैं इसको घर छोड़ाती हूँ, थोड़ी दया आ गई। सरला उसके साथ उसको घर छोड़ने के लिए गई। उसने बहुत प्यार से आग्रह किया कि मेरी पत्नी के हाथ की चाय पी के जाइए। तो सरला ने सोचा चलो पी लेती हूँ। तो वो सरला उसके घर के अंदर जाने लगी। उसके घर के बाहर ही एक पेड़ लगा हुआ था। प्लम्बर ने अपना बैग उस पेड़ पे टांगा और उस पेड़ के पत्तों को सहलाया और उनसे कुछ बातें करी और फिर खुशी खुशी घर के अंदर चला गया। बच्चे पापा से लिपट गए, पत्नी की तरफ उसने स्नेह भरी निगाहों से देखा और मैडम को इंट्रोड्यूस करवाया और बोला चाय बनाओ, हम सब चाय पीते हैं। चाय पी, जब वो बाहर प्लम्बर छोड़ने आया तो सरला से रहा नहीं गया, आपने इस पेड़ से क्या बातें की? उसने कहा ये मेरा समाधान वृक्ष है, मैं जितनी परेशानियां दिन भर की होती हूँ सब इसको बताता हूँ और अपना सारा परेशानियों का बोझा इस पे टांग देता हूँ और अंदर खुशी खुशी जाता हूँ। बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, पत्नी मुझसे प्यार करती है, भला मैं अपनी परेशानियां उन पर क्यों डालूं, मैं उनको दुखी क्यों करूं। अगले दिन जब मैं निकलता हूं, जब मैं अपना बैग यहां से उठाता हूं तो मेरी काफी सारी परेशानियां हल्की हो चुकी होती हैं। तो दोस्तों, हमने ये सीखा कि अपनी परेशानियों को घर लेके मत जाइए, आइए हम भी एक एक समाधान वृक्ष ढूंढ लें। परेशानियां तो सबकी जिंदगी में है, पेड़ एक एक ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बात कर पाए। पेड़ जैसे पॉल्यूशन को हर लेता है और हमें ताजी हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, ऐसे ही वो हमारी परेशानियां भी झेल लेगा और हमें फ्री कर देगा। आप एक बार अपना समाधान वृक्ष तो ढूंढिए, घर की दहलीज को अंदर जाने से पहले, लांगने से पहले अपनी परेशानियां, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई उस पेड़ को बताइए और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ शाम व्यतीत करें। नमस्कार, जय हिंद।